हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डेड गर्ल और ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ इस मूवी को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए। तो मूवी की शुरुआत में हमें आर्डन नाम की लड़की बताई जाती है, जो कि अपनी अपाहिज बूढ़ी माँ के साथ अकेले रहा करती थी। आगे आर्डन अपने घर के पास ही बने मैदान में घूम रही होती है, तभी आर्डन की नजर एक लाश पर पड़ती है। वो बॉडी एक लड़की की होती है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उस लड़की के शरीर पर चींटियां चल रही थी और उसके शरीर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। तभी आर्डन देखती है उस लड़की के हाथ पर एक टैटू गुदा हुआ था और उस टैटू पर 12-13 लिखा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई टाइम लिखा हो। आर्डन को उस लड़की के पास एक लॉकेट भी दिखाई देता है। ये सब देखकर आर्डन अपने घर पर आती है और अपने हाथों से खून के निशान धोने लगती है। आगे आर्डन अपनी माँ की देखभाल में लग जाती है और वो उस डेड गर्ल के बारे में सोचने लगती है और वो अपने किचन में जाकर उस डेड गर्ल की बॉडी से लाए हुए लॉकेट को छुपा देती है। और फिर आर्डन पुलिस को बुलाकर उन्हें उस बॉडी के बारे में बताती है और पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। तो आर्डन की माँ आर्डन पर गुस्सा होती है और वो आर्डन से कहती है, पुलिस हमारे घर पर क्यों आई थी? आर्डन कहती है, मुझे एक लड़की की लाश दिखाई दी और मैंने उसके बारे में पुलिस को बताया। यह सुनकर आर्डन की माँ उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। आगे आर्डन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती है और तब सभी मीडिया वाले आर्डन से सवाल करने लगते हैं, लेकिन आर्डन बिना सवालों के जवाब दिए कार में बैठकर निकल जाती है। आगे आर्डन शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने पहुंचती है तो शॉपिंग सेंटर में ही काम करने वाला रूडी नाम का आदमी आर्डन को देख रहा था और वो आर्डन के सामान को कार तक पहुंचाने के बहाने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। रूडी आर्डन से कहता है, तुम टीवी पर बहुत ही अच्छी दिख रही थी, वाकई में तुम सुंदर हो। रूडी की बातों से आर्डन अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और वो रूडी से थोड़ा डर भी रही थी। रूडी आर्डन को रात में 11 बजे मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो साथ में समय स्पेंड कर सके। आर्डन मिलने से मना कर देती है, तब रूडी कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आगे घर में आर्डन रूडी से मिलने के लिए तैयार होने लगती है, तभी आर्डन की माँ उसे आवाज देती है और आर्डन के मेकअप को देखकर उसकी माँ उसकी इंसल्ट करने लगती है। आर्डन की माँ आर्डन पर दूध का गिलास फेंक कर कहती है, तुम बिल्कुल 2 कौड़ी की लड़की लग रही हो, तुम मेरा पैसा इन फालतू काम में बर्बाद कर रही हो। ये सब सुनकर आर्डन गुस्सा होती है और वो अपना आपा खो देती है और गुस्से में टूटे कांच के गिलास से वो अपनी माँ को मारने की कोशिश भी करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। आर्डन की माँ आर्डन को रोकने के लिए कहती है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कहाँ पर जाओगी और तुम क्या करोगी? लेकिन आर्डन अपनी माँ को अनसुना करके किचन में रखा हुआ डेड गर्ल का लॉकेट भी अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे आर्डन रूडी के साथ कार में बैठकर कहीं जाने लगती है और रूडी आर्डन से उस डेड गर्ल के बारे में सवाल कर रहा था जिसकी बॉडी को सबसे पहले आर्डन ने देखा था। आगे आर्डन और रूडी अकेले होते है, तब आर्डन रूडी को उस डेड गर्ल का लॉकेट दिखाती है। लॉकेट देखने के बाद रूडी आर्डन को किस करने की कोशिश करता है, पर आर्डन थोड़ी डरी हुई थी और वो रूडी को सपोर्ट नहीं कर पाती। तब रूडी आर्डन को अपनी कार में ले जाता है और उससे फिजिकल होने की कोशिश करता है। आर्डन बहुत घबराई हुई थी और वो रूडी से डरने लगी थी। तब रूडी आर्डन को समझाता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना था तो तुम यहाँ पर क्यों आई। रूडी की बातें सुनकर आर्डन को अफसोस होता है और वो दोनों फिजिकल होते है। सुबह होने पर रूडी आर्डन से उसी सीरियल किलर के बारे में बात करने लगता है जिसने उस लड़की को मारा होगा, पर आर्डन रूडी से कहती है, मैं किसी सीरियल किलर के बारे में या डेड गर्ल के बारे में अब बात नहीं करना चाहती। आर्डन अकेली थी और उसे बहुत लंबे समय बाद किसी आदमी का साथ मिला था, तो वो सीरियल किलर के बारे में बात करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी और वो रूडी के साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी। आगे फोन बूथ से आर्डन हेल्पिंग नंबर 911 पर कॉल करती है और आर्डन पुलिस को बताती है, एक बूढ़ी लेडी घर में अकेली है, उस बूढ़ी लेडी की बेटी उसे छोड़कर चली गई और उसे आप लोगों की जरूरत है। पुलिस पूछती है, उस बूढ़ी लेडी का घर कहाँ पर है और आप कौन हो? आर्डन कहती है, जहाँ से उस डेड गर्ल की बॉडी पुलिस को मिली थी वहीं पर उस बूढ़ी लेडी का घर है, और ऐसा कहकर आर्डन फोन रख देती है। आगे मूवी में हमें एक नई स्टोरी बताई जाती है जिसका नाम होता है सिस्टर, और इस स्टोरी में हमें एक लिया नाम की लड़की बताई जाती है जो अपनी बहन के गुमशुदा होने के पोस्टर देख रही होती है और चेहरा देखने से वो डिप्रेस नजर आ रही होती है,
और डिप्रेशन से लड़ने के लिए वो गोलियां भी लेती है। तभी लिया की माँ लिया से कहती है, हमें जेनी के बचपन के ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर को हटवा कर उसके इस समय होने वाली उम्र के अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी फोटो बनवानी चाहिए। लिया अपनी माँ से कहती है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले सीन में लिया डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो डिप्रेस क्यों रहती है। लिया कहती है, जेनी के गुम हो जाने के बाद हमने उसे बहुत ढूंढा और उसके बहुत दिन तक नहीं मिलने पर मैंने और मेरे माता पिता ने जेनी के रूम से उसका सारा सामान निकाल कर उसे जला दिया था। उसके बाद हम सभी खूब रोए थे और जैसे तैसे एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक भी हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया। अगले दिन लिया अपनी वर्किंग लैब में काम कर रही होती है। वहाँ लिया की माँ ने उसे जेनी की इमेजिनरी पिक्चर बनाकर भेजी होती है कि लिया 15 साल बाद अब ऐसी दिखेगी, अब हम इस फोटो का पोस्टर लगवाएंगे। लिया वो फोटो देख रही होती है, तभी लिया के साथ काम करने वाला डायरेक्ट लिया से कहता है, मैंने और मेरे रूममेट्स ने कल एक पार्टी रखी है थोड़ी मौज मस्ती के लिए, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम वो पार्टी ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर लिया कहती है, शायद उस समय मुझे काम रहेगा, मैं किसी और दिन तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। उसके बाद लैब में जाकर लिया उसी डेड गर्ल की बॉडी को देखने लगती है और उस बॉडी से एविडेंस इकट्ठा करने लगती है। तब लिया को उस बॉडी के हाथ में गुदा हुआ टैटू नजर आता है और उसे देखकर लिया उस बॉडी के नाखून से टिश्यू निकालकर इकट्ठा करने लगती है। तब लिया की नजर उस डेड गर्ल के उंगलियों के बीच में बने बर्थ मार्क पर पड़ती है। उस बर्थ मार्क को देखकर लिया को कुछ याद आता है और वो उस डेड गर्ल की फाइल को देखने लगती है और वो डेड गर्ल के फोटो को अपनी बहन के फोटो से मैच करने की भी कोशिश करती है जो कि उस डेड गर्ल के हाथ में टैटू बना था। आगे लिया लैब टेक्नीशियन के पास जाती है और उससे कहती है, ये लड़की जिसकी बॉडी आई है ये लगभग 10 माइल की दूरी पर उसी एरिया में पाई गई जहां से मेरी बहन जेनी गायब हुई थी। लैब टेक्नीशियन जेनी की फोटो देखकर पूछता है, क्या ये जेनी की रियल फोटो नहीं है? लिया कहती है, नहीं ये उसकी इमेजिनरी फोटो है, ये फोटो हमने उसकी बनवाई थी और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि यही लड़की जेनी हो सकती है क्योंकि डेड गर्ल के फिंगर्स के बीच में एक बर्थ मार्क है और सेम ऐसा कि ऐसा बर्थ मार्क जेनी को भी था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एनडी से कह के इसकी जांच करवाए। आगे लिया अपने माँ बाप को डेड गर्ल की फोटो दिखाकर कहती है, हमारे डिटेक्टिव ने इस लड़की को संभवतः जेनी से मिलता जुलता बताया है और इस लड़की की बॉडी अभी हमारी लैब में है। यह सुनकर लिया की माँ कांपने लगती है और वो कहती है, यह लड़की जेनी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। लिया कहती है, पर इसकी उंगलियों के बीच में भी वैसा ही बर्थ मार्क है जैसा बर्थ मार्क जेनी को था, अभी तक भी इसके परिवार का पता नहीं चला। यह सुनकर लिया की माँ रोने लगती है और वो फिर से कहती है, ये लड़की जेनी नहीं हो सकती, उसकी आंखों का कलर ऐसा नहीं था। मूवी के अगले सीन में लिया जेनी की यादों को भुलाने के लिए और अपने फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए अपने साथ काम करने वाले डेरेक की पार्टी में जाती है। उस पार्टी में लिया और डेरेक दोनों आपस में बातें करते हैं और पार्टी के बाद दोनों फिजिकल भी होते हैं। अगले दिन लिया वापस से लैब में काम करने जाती है और वो लैब टेक्नीशियन से पूछती है, क्या जेनी के बारे में कुछ मिला? ये सुनकर लैब टेक्नीशियन कहता है, उन दोनों की फोटो मैच नहीं हो रही है, उन्होंने बताया कि डेड गर्ल की माँ का पता लग चुका है और मुझे सुबह पुलिस को कॉल भी आया था और उन्होंने मुझे बताया कि डेड गर्ल की माँ का पता लग चुका है। उस लड़की की माँ का नाम मेलोरा कुचर है और उस लड़की का असली नाम क्रिस्टा कुचर है। उस लड़की की माँ ने पुलिस को उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसका फोटो भी दिखाया है। इन सभी बातों से जाहिर होता है कि वो डेड गर्ल जेनी नहीं है। आगे लिया देखती है कि उस डेड गर्ल की माँ ने लैब में आकर उसकी बच्ची की पहचान कर ली थी और उसकी माँ उसकी बच्ची की बॉडी को देखकर जोर जोर से रो रही थी। ये सब देखकर लिया का चेहरा उतर जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये बॉडी जेनी की हो सकती है। आगे लिया एक रेस्टोरेंट में अपने माता पिता के साथ होती है और लिया अपनी माँ से कहती है, मैं जेनी का स्मारक देखना चाहती हूँ। लिया की माँ कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, जेनी अभी तक नहीं मरी है। इस पर लिया कहती है, आपको मानना होगा कि वो मर चुकी है क्योंकि यही सच है, जेनी कहीं भी भागी नहीं थी, कोई आदमी जेनी को अपने साथ ले गया होगा और उसने उसके साथ भयानक चीजें की होगी, फिर उस आदमी ने जेनी के शरीर को बिगाड़ दिया होगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितने भी अनुमान लगा ले और कितने भी उनके पोस्टर लगवा ले, वो हमें नहीं मिलने वाली क्योंकि वो मर चुकी है और वो अब दोबारा नहीं लौट सकती। ये सुनकर जेनी की माँ कहती है, अगर वो मरी होती तो मुझे पता चल चुका होता, पर मेरा मन कह रहा है वो कहीं ना कहीं है और वो अभी भी जिंदा है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर लिया गुस्सा होती है
और वो अपने घर में लगे जेनी के सारे पोस्टर और पेपर कटिंग को हटाकर जला देती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आगे हमें मूवी में एक और कहानी बताई जाती है और इस कहानी का नाम था द वाइफ। इस कहानी में एक बूढ़ी लेडी को बताया जाता है जिसका नाम रूथ है और रूथ अपने घर में नेल पेंट लगा रही होती है। तभी वहां पर रूथ का हस्बैंड कर्ल आता है और कर्ल अपने हाथ में एक बैग और गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर जा रहा था। तब रूथ कर्ल से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? कर्ल कहता है, मैं बस बाहर थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर रूथ गुस्सा होती है और वो कहती है, जब कभी मेरा मन होता है बाहर घूमने का तब तुम मेरे साथ घूमने नहीं जाते, वापस कब तक लौटोगे, आज कल या एक हफ्ते में? कर्ल कहता है, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? रूथ कहती है, मुझे जानना है क्योंकि शायद मुझे मेरा खुद का कोई प्लान बनाना हो। यह सुनकर रूथ का हस्बैंड जवाब देता है, अभी मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कब तक लौटूंगा। तब रूथ झल्ला जाती है और वो कर्ल से कहती है, मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढते हो? यह सुनकर रूथ का हस्बैंड गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ और मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर रूथ का हस्बैंड बाहर घूमने चला जाता है। आगे सुबह होती है और रूथ देखती है कि कर्ल सुबह तक भी नहीं लौटा था और तभी दो लोग रूथ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रूथ दरवाजा खोलती है तो वो दो आदमी बोलते हैं, हमें स्टोरेज के लिए जगह चाहिए। ये सुनकर रूथ कहती है, ये मेरे हस्बैंड का काम है पर वो अभी यहाँ पर नहीं है। और रूथ खुद ही उन दोनों को स्टोरेज के लिए जगह बताने चली जाती है और रूथ वापस कर्ल के ऑफिस में जाकर काम करने लगती है। तब रूथ देखती है वो दोनों आदमी वापस आए है और वो शिकायत कर रहे है कि स्टोरेज रूम में पहले से ही किसी का सामान रखा हुआ है। रूथ उस स्टोरेज रूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ था। रूथ उस फर्नीचर के ड्रॉवर को खोलती है तो उसमें से लड़की के फटे हुए कपड़े निकलते हैं और अंडर गारमेंट निकलते हैं और वहाँ पर उस लड़की के शूज, बैग, वॉलेट और आईडी कार्ड सब कुछ रखा हुआ था। यह देखकर रूथ उन दोनों आदमियों को स्टोरेज के लिए दूसरी जगह दिखाती है और रूथ वापस स्टोरेज रूम में जाकर रखे हुए सामान को देखने लगती है। उस सामान में लड़कियों के कपड़े थे जो कि खून से सने हुए थे और उसमें लड़कियों का सामान और उनके आईडी कार्ड भी थे। और रूथ उस लड़की के आईडी कार्ड के फोटो को पेपर में आई गुमशुदा हुई लड़कियों के फोटो से मिलाकर देखती है तो रूथ को जॉर्जिया नाम की लड़की का फोटो पेपर में भी दिखता है जिसका उसे आईडी कार्ड मिला था। और रूथ समझ जाती है कि उस लड़की का मर्डर कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड कर्ल ने ही किया है। आगे रूथ रात में अपने घर में टीवी देख रही होती है तभी उसका हस्बैंड बाहर से वापस लौटता है और वह किचन में जाकर ड्रिंक बनाने लगता है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ती है और कर्ल गुमशुदा हुई लड़कियों की फोटो को देखने लगता है और रूथ भी कर्ल के रिएक्शन को देख रही थी। तभी रूथ को कर्ल के गले पे बने निशान भी नजर आते है जैसे उसे किसी ने नोचा हो। कर्ल हॉल में आकर बैठता है और रूथ उससे पूछती है, तुम्हारी गर्दन पर ये खरोच कैसे आई? कर्ल जवाब देता है, बार में मेरा कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। रूथ कहती है, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हो और अपनी बॉडी पर ये निशान लेकर आते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है? कर्ल कहता है, मैं बस रे के पास गया था। रूथ कहती है, मैंने उसे कॉल किया था, तुम वहाँ पर नहीं थे। कर्ल कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और वो वहाँ से जाने लगता है। बाहर जाकर कर्ल अपनी गाड़ी से एक थैली निकालकर उसे स्टोर रूम में रखने लगता है। तब रूथ कर्ल को देख रही थी और थोड़ी देर बाद कर्ल वापस आता है तो रूथ उसे खाना परोसती है और रूथ कर्ल से पूछती है, क्या तुम उस डेड गर्ल के बारे में कुछ जानते हो? कर्ल जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं जानता। आगे रूथ और कर्ल दोनों सो जाते हैं। रात में रूथ उठती है और वापस से गोडाउन का शटर खोलती है तो रूथ देखती है गोडाउन के अंदर किसी लड़की का जैकेट और उसके कपड़े पड़े हुए थे। रूथ एक पॉलिथीन में लड़की के सारे कपड़े भरने लगती है और सब कुछ गाड़ी में लेकर जाने लगती है और रूथ अपनी गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन के बाहर रोकती है तो रूथ देखती है उसके चेहरे पर और हाथों पर भी कपड़ों का खून लग चुका था और पुलिस वालों को देख रूथ डर जाती है और अपनी गाड़ी वहां से लेकर चली जाती है। अपने घर पर जाकर रूथ गोडाउन में पड़े उस फर्नीचर को और उसके साथ कपड़ों को और लड़कियों के आइडेंटिटी कार्ड को जलाने लगती है और उसी आग में रूथ अपने भी पूरे कपड़े उतारकर जला देती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आगे हमें मूवी में दूसरी कहानी बताई जाती है और इस कहानी का नाम होता है द मदर। इस कहानी में हम देखते हैं डेड गर्ल की माँ पुलिस ऑफिसर को अपनी बेटी के बारे में बता रही थी जिसमें वो बता रही थी कि उसकी बेटी 16 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चली गई थी। तब मेलोरा ने उसकी बच्ची को बहुत मैसेज किए पर वो बहुत गुस्सा थी और उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया था कि वो उससे और अपने सोतेले पिता से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती।
पुलिस ऑफिसर मेलोरा को एक मिनट इंतजार करने के लिए कहता है। तब मेलोरा पुलिस ऑफिसर के डेस्क पर रखी फाइल को खोलकर देखती है और फाइल के अंदर मेलोरा को उसकी बेटी क्रिस्टा कुचर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। मेलोरा क्रिस्टा के लास्ट एड्रेस को देख लेती है जहां पर वो आखिरी समय में रहा करती थी और मेलोरा पुलिस स्टेशन से उस एड्रेस पर जाती है। वहां पर मेलोरा को एक आदमी मिलता है और मेलोरा उससे पूछती है यहां पर क्रिस्टा कुचर कहां रहती थी। वो आदमी फोन बूथ पर बात कर रही एक लड़की की तरफ इशारा करता है। मेलोरा रोसेटा नाम की उस लड़की से बात करती है और मेलोरा उससे कहती है मैं क्रिस्टा का कमरा देखना चाहती हूँ। उसके लिए मेलोरा रोसेटा को पैसा भी देती है और रोसेटा क्रिस्टा का कमरा दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। मेलोरा रोसेटा से पूछती है क्या यहाँ पर रहने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त थी। रोसेटा कहती है नहीं वो मेरी रूममेट थी। रोसेटा की हालत देखकर मेलोरा समझ जाती है कि रोसेटा एक प्रोस्टिट्यूट थी और मेलोरा रोसेटा से पूछती है तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं। ये सुनकर रोसेटा कहती है क्या तुम कोई रिपोर्टर हो जो मेरी स्टोरी जानना चाहती हो। मेरी माँ मर चुकी है जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी और मैं अपने पिता को नहीं जानती। पैसों के लिए अब मैं लोगों का मन बहलाती हूँ। ये सुनकर मेलोरा कहती है तुम्हारी कहानी बहुत ही दुखी करने वाली है। क्या क्रिस्टा ने तुम्हें कभी बताया था कि वो कहां से आई थी और उसने अपना घर क्यों छोड़ा था। रोसेटा कहती है उसका सोतेला बाप उसके साथ गलत काम कर रहा था और उसकी माँ अपने बच्चे और अपने हस्बैंड में से हमेशा अपने हस्बैंड की तरफदारी करती थी। यह सुनकर मेलोरा रोने लगती है और रोसेटा मेलोरा से पूछती है क्या तुम्हें उसकी माँ हो। मेलोरा कहती है हाँ मैं उसकी माँ हूँ और वो और ज्यादा रोने लगती है और मेलोरा रोसेटा से कहती है मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहती हूँ। रेस्टोरेंट में रोसेटा मेलोरा को बताती है क्रिस्टा ने एक साफ रास्ते पर चलने का फैसला लिया था। उसने ड्रग्स हुक्का सब कुछ छोड़ दिया था और वो नेल सैलून में जॉब करने लगी थी ताकि वो अपनी बेटी को अपने साथ रख सके और उसके बाद वो एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए एक साथ तीन तीन जॉब करने लगी। उसे लगातार जागने के लिए ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगी। तब मेलोरा पूछती है क्या क्रिस्टा की कोई बेटी भी है। रोसेटा कहती है एशले उस बच्ची का नाम है। मेलोरा रोसेटा से उसका पता पूछती है। रोसेटा मेलोरा को अपने साथ लेकर जाती है। क्रिस्टा ने अपनी बच्ची की देखभाल का जिम्मा उसकी एक फ्रेंड को दे रखा था और उसकी वो फ्रेंड अपने बच्चों के साथ साथ एशले का भी ख्याल रखती थी। वहां पहुंचकर मेलोरा एशले से मिलती है और कहती है हेलो बच्ची मैं तुम्हारी मम्मी की मम्मी हूँ। और मेलोरा उस लेडी को पैसा देकर उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रोसेटा मेलोरा को उसकी देखभाल करते हुए देखती है। अगले दिन मेलोरा रोसेटा को उसके घर पर छोड़ने जाती है और मेलोरा रोसेटा से कहती है मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे घर पर आके रह सकती हो, वहाँ पर तुम्हें ड्रग्स छोड़ के सब कुछ मिलेगा, और इस बारे में सोचने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। आगे हमें एक और नई कहानी बताई जाती है और इस कहानी का नाम होता है द डेड गर्ल। इस कहानी में हमें क्रिस्टा की लाइफ के बारे में बताया जाता है जो कि मर चुकी है और वो द डेड गर्ल के नाम से जानी जाती है। क्रिस्टा एक दुकान से सॉफ्ट टॉय खरीदती है और वो उसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड टार्लो के पास जाती है। क्रिस्टा कहती है ये मेरी बेटी के लिए है, क्या आज रात तुम मुझे नॉर्वॉक छोड़ दोगे, मेरी बेटी का बर्थडे है, हम उससे मिलकर बस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये सुनकर टार्लो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है और फिर वो एक गिफ्ट क्रिस्टा को देता है। क्रिस्टा उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक डायमंड लॉकेट था। क्रिस्टा उस गिफ्ट को देखकर कहती है इसके बदले तुम मुझे नॉर्वॉक ले जाओ। ये सुनकर टार्लो कहता है अभी तुम इस लॉकेट को रखो। क्रिस्टा उस नेकलेस को पहन लेती है और उसके बाद वो टार्लो के घर पर जाती है और रास्ते में वो टार्लो से कहती है मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरा करना चाहती हूँ, मैं उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ और उसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर टार्लो कहता है ठीक है मैं तुम्हें नॉर्वॉक ले चलूंगा। ये सुनकर क्रिस्टा बहुत खुश होती है और क्रिस्टा और टार्लो दोनों फिजिकल होते हैं और उसके बाद टार्लो क्रिस्टा से कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें नॉर्वॉक नहीं छोड़ पाऊंगा। क्रिस्टा कहती है पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। और क्रिस्टा टार्लो पर चिल्लाने लगती है तुमने मुझे धोखा दिया है। पर टार्लो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस्टा अकेले ही जाने लगती है। क्रिस्टा उसके ही पड़ोस में रहने वाले डेल से उसकी बाइक की चाबी मांगती है और डेल क्रिस्टा को अपनी बाइक की चाबी दे देता है। क्रिस्टा अपने रूम में जाती है तो वहां पर उसकी रूममेट रोसेटा रो रही थी और वो जख्मी थी। रोसेटा को जख्मी देखकर क्रिस्टा उससे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, ये जरूर टॉम ने ही किया होगा, मैं अभी उसे सबक सिखा के आती हूँ। रोसेटा उसे ऐसा करने से मना करती है पर क्रिस्टा अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाती है और क्रिस्टा रोसेटा को जख्मी करने वाले आदमी टॉम के वहां जाती है और उसकी गाड़ी को ब्लैक स्प्रे से खराब कर देती है और उसका शीशा तोड़ देती है। तब तक टॉम भी बाहर आ जाता है और वो क्रिस्टा को मारने वाला होता है पर क्रिस्टा उस पर स्प्रे कर देती है
और वो टॉम को धमकी देकर बाइक लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में बाइक खराब होने के कारण क्रिस्टा को रुकना पड़ता है। क्रिस्टा बाइक से उतरकर रोसेटा को कॉल करती है और कहती है, अब टॉम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्या तुम मेरी बेटी के बर्थडे पर चलना चाहोगी? तब रोसेटा क्रिस्टा से कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे सोना है। क्रिस्टा दुखी होकर कहती है, ठीक है मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आगे रास्ते में क्रिस्टा लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। काफी सारी गाड़ियों के निकलने के बाद एक गाड़ी क्रिस्टा के पास आकर रुकती है और क्रिस्टा उस गाड़ी में बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस गाड़ी को कर्ल ही ड्राइव कर रहा था। क्रिस्टा कर्ल से कहती है, क्या आप मुझे नॉर्वॉक तक छोड़ सकते हो? कर्ल पूछता है, क्या तुम वहां पर रहती हो? क्रिस्टा कहती है, नहीं वहां पर मेरी बेटी रहती है और आज उसका बर्थडे है, 12:13 पर उसका जन्म हुआ था। यह सुनकर कर्ल कहता है, मैं बस एक जगह पर कार रोकूंगा और उसके बाद तुम्हें नॉर्वॉक छोड़ दूंगा। यह सुनकर क्रिस्टा बहुत खुश होती है और वो कहती है, इसका मतलब मैं सुबह उठने से पहले वहां पहुंच जाऊंगी। और वो कर्ल से बातें करते हुए उसकी कार में उसके साथ निकल जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक तरह से तो ये एक मिस्ट्री मूवी थी, पर इस मूवी को एक डिटेक्टिव मूवी की तरह ना दिखाकर एक दूसरी तरह से दिखाया गया है। कैसे डेड गर्ल के आसपास अलग अलग लोगों की लाइफ भी चल रही थी और कैसे सभी कहानियां डेड गर्ल से कनेक्ट थी और अंत में जाकर हमें बताया जाता है कि कैसे कर्ल उस डेड गर्ल क्रिस्टा से मिला था और उसके बाद की कहानी का अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।